बात की बिहार से की, उसके बाद आसाम और कल मणिपुर में हम लोगों ने 7 सीटों पे लड़ा और 6 हमने जीती, क्योंकि हमने पंजाब में नहीं लड़ा था, यूपी में हमने कॉन्टेस्ट नहीं किया। यूपी में हमने कुछ ही सीटों पे मीन्स वहाँ पर 2-4 सीटें हमने लड़ी थी और 1 सीट वहाँ से भी निकाली। और सबसे अच्छी बात कि मणिपुर में, क्योंकि कोलेशन में भी हम लोग आ गए और वहाँ पर सरकार बनाने के लिए जो सीटें कम थी, जो की मेकर का काम JDU ने किया, मैं मणिपुर के लोगों को, वर्कर्स को, वहाँ के MLAs को, सबों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और क्योंकि आने वाला जो है इसके बाद अबारी जम्मू कश्मीर की है, और जम्मू कश्मीर जिस तरह हम लोगों ने बाकी देश के जो बाकी हिस्सों में अपनी भागीदारी हासिल की, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी JDU सरकार का एक हिस्सा होगा। मणिपुर में हम सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमने 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और 6 सीटों को हमने अपने हक में ले लिया। जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह रहमान, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जो हम बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में JDU बड़ा स्ट्रांग है और इंशाल्लाह रहमान जम्मू कश्मीर में हम सरकार में शामिल किसी भी हालत में होंगे।